नमस्कार, मैं वृंदा सानी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइफ। देश में कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। 45,720 नए केस, 1129 लोगों की मौत। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 45,720 नए केस सामने आए हैं और 1129 लोगों की जान गई है। इसी के साथ कोरोना वायरस के कुल मामले 12,38,635 हो गए हैं। इनमें से 4,26,167 एक्टिव केस हैं और 7,82,606 मरीज स्वस्थ हो गए हैं। इस वैश्विक महामारी ने अब तक 29,861 लोगों की जान ली है। मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री कोरोना संक्रमित, कैबिनेट बैठक में हुए थे शामिल। मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्हें चिरायू हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। अरविंद भदौरिया कल कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए थे। इससे पहले वे राज्यपाल लालजी टंडन के अंतिम संस्कार में शामिल होने लखनऊ गए थे। सहकारिता मंत्री ने बताया कि उन्हें कल गले में खराश महसूस हुई थी, जिसके बाद उन्होंने कोरोना टेस्ट कराया था, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मध्य प्रदेश में भी कोरोना मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है और मरीजों की संख्या 25,000 के करीब पहुंच गई है। राजस्थान का सियासी संकट, हाईकोर्ट में सुनवाई पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के आने वाले फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। यानी अब शुक्रवार को राजस्थान हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। सुनवाई के दौरान सर्वोच्च अदालत ने कहा कि पहले हाईकोर्ट का फैसला आ जाए, उसके बाद सोमवार को फिर से इस मामले की सुनवाई होगी। विधानसभा स्पीकर की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी थी कि हाईकोर्ट के फैसले को रद्द किया जाए। जासूसी और मादक पदार्थों की तस्करी में BSF कर्मी बर्खास्त, 8 गिरफ्तार। पाकिस्तान के लिए जासूसी और सीमा पार से हथियारों को देश विरोधी तत्वों तक पहुंचाने के आरोप में BSF कर्मी सुमित कुमार को बर्खास्त किया गया है। उसे जम्मू संभाग के सांभर जिले के मंगूक चक से 11 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। उसके पास से एक पिस्तौल, 2 मैगजीन, 80 कारतूस, 12 बोर की बंदूक के कारतूस, 2 अन्य मैगजीन, 3 मोबाइल फोन, कुछ सिम कार्ड और 32.30 लाख रुपए पकड़े गए। BSF जम्मू फ्रंटियर के IG NS जम्वाल ने बताया कि इस मामले में सेना के एक जवान समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। LAC पर भारत और चीन के बीच कम नहीं हुआ गतिरोध, तनाव जारी। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी तनाव को कम करने के लिए सेना और राजनयिक स्तर पर कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन इसके बावजूद दोनों देशों के बीच तनाव कम करने में सफलता नहीं मिली है। LAC के कुछ पॉइंट पर तनाव कम करने की प्रक्रिया लगभग रुकी हुई है। इन इलाकों में जमीनी हालात पहले की तरह बने हुए हैं। दोनों देशों ने लगभग 1,00,000 सैनिकों को अग्रिम मोर्चों पर तैनात किया हुआ है। अमेरिका ने बंद किया ह्यूस्टन में चीन का महावाणिज्य दूतावास। अमेरिका ने ह्यूस्टन स्थित चीन के महावाणिज्य दूतावास को बंद करने का आदेश दिया और कहा कि ये कदम अमेरिकियों की बौद्धिक संपदा और निजी सूचना की रक्षा के उद्देश्य से उठाया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि देश में चीन के राजनयिक दूतावास को बंद किया जा सकता है। वहीं चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबेन ने इस तनाव में अप्रत्याशित वृद्धि करने वाले कदम बताए और जवाबी उपाय करने की चेतावनी दी। इसी बीच ह्यूस्टन में चीन के महावाणिज्य दूतावास में आग लगने की खबर सामने आई। स्थानीय पुलिस ने बताया कि परिसर में दस्तावेजों को जलाया जा रहा था। गंडक में पानी छोड़े जाने के बाद बिहार में और विकराल हुई बाढ़। बिहार में लगातार बारिश और वाल्मीकि नगर बैराज से गंडक नदी में 3,25,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद उत्तर बिहार में बाढ़ की स्थिति और विकराल हो गई है। दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी और पश्चिम चंपारण जिले में स्थिति खराब होती जा रही है। बड़ी संख्या में
विस्थापित परिवार बांध और हाईवे पर शरण लिए हुए हैं। मोतिहारी के बंजरिया में तिलावे नदी का बांध, सुगोली में रिंग बांध टूटने से अफरा तफरी के हालात हैं। मुजफ्फरपुर की पांचों प्रमुख नदियां खतरे के निशान को पार कर गई है। आईपीएल में घर से हो सकती है कमेंट्री, दक्षिण अफ्रीका में हुआ एक्सपेरिमेंट। इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारक स्टार स्पोर्ट्स हाल ही में एक प्रदर्शनी मैच में सफल प्रयोग करने के बाद इस लीग में भी वर्चुअल कमेंट्री शुरू करने पर विचार कर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के सेंचुरियन पार्क में रविवार को तीन टीमों के बीच खेले गए मैच की कमेंट्री इरफान पठान ने बड़ौदा में अपने घर से, दीपदास गुप्ता ने कोलकाता से और संजय मांजरेकर ने मुंबई स्थित अपने घर से की थी। केवल कमेंटेटर ही नहीं बल्कि इससे जुड़े कर्मचारी भी देश के अन्य हिस्सों से लॉग इन थे और निर्देशक मैसूर में बैठकर सभी पर नजर रखे हुए थे। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहें न्यूज़ लाइफ।